My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण्य तीर्थ और भगवान राम से एक अनूठा संबंध है। यह तीर्थ भगवान राम के जन्म की कारण भूमि है। भगवान राम के जन्म और उनके द्वारा की गई 84 कोसी परिक्रमा और अश्वमेघ यज्ञ के प्रमाण आज भी नैमिष में मिलते हैं। यहाँ की रज के कणकण में राम नाम की महिमा रची बसी है। जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण पड़े, उनके प्रमाण आज भी नैमिषारण्य के 84 कोसी क्षेत्र की सीमा में मिलते हैं। नैमिषारण्य स्थित अयोध्या में हनुमान जी की बहुत प्राचीन मूर्ति स्थापित है। दक्षिण भारतीय शैली में बने इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से में लाल नीले सफेद रंगों से बेहतरीन नक्काशी हुई है, जो काफी पुरानी होते हुए भी आज भी बहुत आकर्षक है। मंदिर के गुंबद में शेर, चीता एवं विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। नैमिषारण्य को पुराणों में सतयुग की भूमि कहा गया है। मनु सतरूपा ने नैमिष में कई हजार वर्षों तक तपस्या करके भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान पाया था, इसीलिए नैमिष को भगवान राम के जन्म की कारण भूमि माना जाता है। आई इंडिया के नैमिषारण्य संवाददाता सुनीत पांडे ने मनु सतरूपा तपोभाम के महंत आचार्य ऋतव्रत शास्त्री से रामनवमी की पूर्व संध्या पर खास बातचीत की। आप भी सुने आचार्य ऋतव्रत शास्त्री ने क्या कुछ कहा। ये जय श्री राम, ये मनु और शत्रुपा जी की तपस्भूमि है। यही से मानव सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। भगवान आदि नारायण ने ब्रह्मा को जन्म दिया, ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु शत्रुपा जी को दर्शन दिया, उनको जन्म दिया और स्वयंभू मनु शत्रुपा ने यहाँ 23,000 वर्ष तपस्या करने के उपरांत में आद्यशक्ति माँ भगवती की आराधना की, उनकी शक्ति के द्वारा मानवीय सृष्टि प्रारंभ की और उसके बाद में सोचा ये मानव मर्यादित रहे, इसलिए उन्होंने नैमिषारण्य में ही 23,000 वर्ष तक पुनः एक बार तपस्या की और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर तपस्या की। तब भगवान श्री राम यहाँ प्रकट हुए और राम को कहा, हे राम, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप कृपा करें, आप मानव के रूप में जन्म लें, आपके बिना ये प्राणी अमर्यादित हो जाएंगे, इसलिए आपको पुत्र होना चाहिए, आपको पुत्र रूप में हमें प्राप्त हो। तब श्री राम ने कहा कि ठीक है पुत्र, अभी तो ऐसा अवसर नहीं है, जब इन प्राणियों के हृदय में अमर्यादा के लक्षण उत्पन्न होंगे उस समय में मैं पुत्र रूप में जन्म लूंगा और उस त्रेता युग में आप दशरथ और कौशल्या बनेंगे और तब मैं अयोध्या में जन्म लूंगा। तो राम का जन्म भूमि अयोध्या, कृष्ण का जन्म भूमि मथुरा, मानव का जन्म भूमि नैमिषारण्य। तो श्री राम अयोध्या में जन्म लेने के लिए नैमिषारण्य में सबसे पहले सतयुग में प्रकट हुए थे और स्वयं आदि शक्ति के सहित प्रकट हुए थे। सीता माँ साथ में थी, वहां पुत्र रूप में जन्म लिया और श्री राम ने स्वयं कहा था, हे मनु, हे पुत्र, तुमने मुझे प्रसन्न किया है तो मैं तो पुत्र रूप में जन्म लूंगा ही और ये आदि शक्ति यही जग उपजाया सब अवतर ही मौर्य माया, ये जो मेरी शक्ति है ये भी ये जनकपुर में जन्म लेंगी और बाद में इसका मेरा संस्कार होगा, हम दोनों एक साथ युगल मिश्र का रूप में रहेंगे। तो ये वरदान नैमिषारण्य में स्वयंभू मनु शत्रुपा जी को सृष्टि के प्रथम काल में दिया था, ये वो तपस्वी। जय श्री राम। आचार्य सदानंद द्विवेदी के मुताबिक गोमती तट पर स्थित दशाश्वमेध घाट का वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। भगवान राम ने सीता जी को वन भेज दिया था। लोक कल्याण के लिए जब उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया तब सीता जी के स्थान पर सोने की सीता की मूर्ति रखकर पूजा की गई थी। यह स्थान आज भी मौजूद है और यहाँ सिद्धेश्वर नाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी है। गोमती के तट पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रामेश्वरम धाम की स्थापना की थी।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।